देखिए दोस्तों, आज मेरे पास ये वोल्टास के इंडोर का फ्रिज भी है और इसमें देखिए ओवर वोल्टेज आया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका फ्रिज भी जल गया है। और हम देखिए पहले अपन किसी भी पीसी को रिपेयर करते हैं तो पहले आपको ऊपर से ही देखना होता है पीसी में कुछ ख़राब तो नहीं लग रहा है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर मेरे को फ्यूज जला हुआ दिख रहा है, दूसरा ये जो मेन कैपेसिटर है ये थोड़ा फूल गया है। तो पहले मैं इसमें पावर दे के ऑन करता हूँ। तो ये मैंने फेस वायर लगा लिया और देखिए इसमें फ्यूज नहीं है, तो इसके पहले फ्यूज लगा लेते हैं। और ये न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। देखिए इसको मैं सीरीज बोर्ड में ऑन करूँगा पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सीरीज वाला का फुल ग्रो कर रहा है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे कि हमारा पीसी में सेटिंग कहाँ पर है। तो इसको मैं बाहर निकाल लिया हूँ, पीसी को अभी हम उल्टा करते हैं। तो देखिए अभी हमने चेक किया कि पीसी में हमारा फुल सेटिंग आ रहा है। तो ये इसका डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले को भी मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मैंने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है मैन, ये जो फूला हुआ है खराब कैपेसिटर है, पहले हम इसी पर चेक करेंगे शॉर्टिंग। पहले मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, कहीं इसमें चार्ज तो नहीं है। तो देखिए करने के बाद देखिए इसमें यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं है, तो इसमें हमारा देखिए 99% चांस है कि ये आईसी हमारा सेफ है, ठीक है। ये आईसी हमारा फटा हुआ नहीं दिख रहा है कहीं भी, और डीसी लाइन में हमारा शॉर्टिंग भी नहीं बता रहा है। तो ये 99% हमारा आईसी सही होगा, ये सेक्शन सही होगा। तो इसमें अब देखिए दो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, एक तो इसमें एमओवी लगा रहता है क्योंकि ओवर वोल्टेज आया है, तो इसमें एमओवी लगा होगा कहीं। और अभी देखता हूँ मैं कुछ लोगों को जो एमओवी जल जाता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं और उनका पीसी चालू हो जाता है। तो देखिए यदि आप एमओवी निकाल के फेंक देंगे तो बाद में दोबारा कभी जब ओवर वोल्टेज आएगा तो आपका पीसी बहुत बुरी तरीके से चल सकता है यदि एमओवी नहीं होगा। एमओवी का काम क्या रहता है, ओवर वोल्टेज आएगा वो आपका फ्यूज छुड़ा देगा, वो पीसी आपका ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इसको निकाल देते हैं, देखिए इसका एमओवी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये एमओवी को बिना निकाले मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊँ, तो इसमें आप जब पावर देंगे पीसीबी में और हमारे जब सीरीज वाला ग्लो कर रहा होगा तो ये एमओवी यदि ख़राब होगा तो ये हमारा हीट कर रहा होगा। एक तो एमओवी आपको बाहर से दिख जाता है जला हुआ, दूसरा यदि ये जला हुआ नहीं है आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका हीट हो रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एमओवी ख़राब है, ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है इतने में, तो आप उसको इतनी देर तक टेस्ट कर ही नहीं पाओगे यदि ख़राब होगा तो। देखिए अब इसके बाद सिंपल सा आपको तरीका होता है, यदि ये सब चीज़ें सही है तो इसमें ब्रिज ख़राब होने का चांस जाना रहता है। तो हम पहले ब्रिज को चेक करेंगे, पहले हम एसी लाइन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसकी शॉर्टिंग जो है एसी लाइन में, देखिए शॉर्टिंग जो आ रहा है वो हमारा एसी लाइन में आ रहा है और डीसी लाइन में हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। हमने कैपेसिटर पे भी चेक किया था, देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस वाइज चेक करूँगा। क्योंकि क्रॉस वाइज भी चेक कर लिया है लेकिन इसमें शॉर्टिंग हमारा एसी लाइन में ही है, तो हम एक बार इसी एमओवी को निकाल के चेक करेंगे क्योंकि गर्म नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी ये हमारा एक अनुमान था लगाने इसको पता चलाने का। तो देखिए अभी मैंने इसको एक लैग बार निकाल लिया और अभी मैं इसमें शॉर्टिंग चेक करता हूँ, अभी भी शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए एमओवी मेरा बिल्कुल ओके है, ठीक है, एमओवी को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए एमओवी ये है मेरा, ये भी ओके है।
चलिए इसको मैं अभी लगा दूंगा। पहले हम इसकी शॉर्टिंग को देखते हैं कि यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर शॉर्टिंग कहाँ पर है। इसमें शॉर्टिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर ये जो है एमओबी, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा एमओबी नहीं है। यहाँ पर ये पीसीबी में ये देखिए, ये हमारा कैपेसिटर है, ये एमओबी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर एमओबी की जगह कैपेसिटर कर दिया, C28 लिखा भी है, वैसे यहाँ पर हमारा एमओबी रहता है। ये जो लगा हुआ है RV101, इसके अंदर हमारा एमओबी होगा। इसको हम निकालेंगे, तो अभी मैं देखिए इसको बाहर निकाल के आपको बताता हूँ। ये जो शॉर्टिंग है इसी चीज़ से आ रहा है। देखिए कवरिंग करने का अभी न्यू पीसीबी है, ये न्यू मॉडल की, ये इसलिए आने लगा है क्योंकि हमारा जब एमओबी ख़राब होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, कभी कभी उसमें आग भी लग जाती है, इसकी वजह से ये ऐसा कर दिया रहता है। तो अभी इसको चेक करेंगे। देखिए इसमें हमारा 18-19 ओम के आसपास शो कर रहा है। और अभी हम एसी लाइन पर शॉर्टिंग चेक करते हैं। देखिए शॉर्टिंग हट गया हमारा। देखिए अभी जो हमारा शॉर्टिंग था वो निकल गया, और मैंने देखिए ये एमओबी की जगह लगाया हुआ है उन्होंने। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा अभी नया तरीके का एमओबी आ गया है मार्केट में। ये कवरिंग किया हुआ रहता है, देखिए इसमें बहुत हार्ड ग्लू लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा एमओबी है एक तरीके का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा कैपेसिटर है, मैंने इसको पहचानने में गलती कर दी, तो इसका ये जो लैक है इसको हम वापस लगा देते हैं। ये मैंने इसको वापस लगा दिया। देखिए मैं इसको एमओबी मैंने जाना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि तो इसकी लाइन में कहीं लगा हुआ नहीं था, ये एमओबी इधर लगा हुआ था। और दूसरा ये जो हमारा ये जो लाइन लगा हुआ है फिल्टर लाइन, इसके आगे ये लगा हुआ था, तो मैंने इसको गलती से एमओबी समझ लिया क्योंकि तो दूसरा मेरे को यहाँ पर दिखा नहीं, तो यही मैंने एमओबी समझ लिया। ये कैपेसिटर था, मेरे को पहचानने में गलती हो गई। अभी देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। और इसका ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ख़राब है, इसको आपको चेंज करना ही है। ये एक बार खुल गया है, ये आपको चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए पीसीबी हमारा ऑन हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी इसको हम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे। और इसका ये जो मेन कैपेसिटर है 450 वोल्ट 22 एम्प, आपको ये चेंज कर देना है। ये पीसीबी हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। और ये जो हमने एमओबी निकाला हुआ है, ठीक है, इस तरीका इसकी जगह आपको ये जो हमारा नॉर्मल वाला एमओबी होता है, ये वाला, ये आपको हैवी वाला लगाओगे एमओबी तो ये आपका ठीक रहेगा इस तरीके के पीसीबी में। यदि आप ये नॉर्मल वाला लगाओगे तो ये जल्दी फट भी जाता है। ये हमारा लोड, यदि लोड जाना है तो इसको लगाइए, आपका पीसीबी जो है वो ठीक चलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।